ऋषि के पापा वीरेंद्र रोएंगे लक्ष्मी के सामने और लक्ष्मी ले आई मलिष्का का असली चेहरा और असली सच्चाई सबके सामने, जिसे सुनकर निकाल दिया वीरेंद्र ने मलिष्का को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि बाथरूम में लक्ष्मी को डांट रहा होगा और लक्ष्मी को कहेगा कि ये पानी बंद करने की भी चाल कहीं तुम्हारी तो नहीं, तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन तभी अचानक से पानी आ जाएगा और लक्ष्मी कहेगी लो पानी आ गया। तब यह सुनकर ऋषि कहेगा बताओ तुम्हारी टीम में कौन है, तुम इतनी चालबाज कैसे हो सकती हो। तभी ऋषि के ऊपर अचानक से छिपकली गिर जाएगी, जिस वजह से अचानक से डर के मारे जब ऋषि बाथरूम में गिर रहा होगा तभी लक्ष्मी ऋषि को बचाने के लिए ऋषि को पकड़ती हुई खुद ऋषि के ऊपर गिर जाएगी और उसी वक्त मलिष्का लक्ष्मी को ऋषि के ऊपर गिरते हुए देख लेगी। लेकिन जब ऋषि की नजर मलिष्का पर पड़ेगी और ऋषि अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तभी लक्ष्मी पीछे से ऋषि का हाथ पकड़ेगी और कहेगी बाहर निकलने से पहले तुम नहा लो और नहा के बाहर आओ। यह लक्ष्मी की बात सुनकर ऋषि बाथरूम में नहाएगा, लेकिन कमरे में आकर मलिष्का लक्ष्मी को कहेगी कि तुम मेरे ऋषि के साथ क्यों सो रही थी। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी मेरे बेडरूम में आकर मुझसे मेरे पति के बारे में सवाल करी हो। तब यह सुनकर मलिष्का कहेगी ऋषि मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी ऋषि के साथ मेरी शादी हुई है, इसीलिए जो भी हक है वो सब मेरा है और तुम मेरे कमरे में आकर मेरे को ही धमकी दे रही हो। पता है ना कि हर दिन की रिपोर्ट कोर्ट में देनी पड़ती है, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं। तब यह सुनकर मलिष्का कहेगी तुम्हारा ऋषि के साथ डिवोर्स हो चुका है। तब लक्ष्मी कहेगी पूरे तीन महीने दिए हैं कोर्ट ने मेरे और ऋषि के रिश्ते को सुधारने के लिए, इसलिए अभी मेरा और ऋषि का डिवोर्स नहीं हुआ है और मेरा मुंह तो खुलवाना ही मत, क्योंकि तुमने जिस दिन मेरे घर में आकर पूरे चौल को खरीद कर मेरे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दोगी, यह बात तुमने मुझे डिवोर्स के बदले कही थी, इसीलिए उस दिन मैंने उन डिवोर्स पेपर पर साइन किए थे, लेकिन अब मैं झुकूंगी नहीं और तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगी। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे, लेकिन रीति रिवाजों के साथ जब लक्ष्मी अपने पहले दिन के खाने में अपने गाँव के लड्डू बनाएगी तभी मलिष्का किचन में आकर उन लड्डू में नमक डालने की कोशिश करेगी, लेकिन लक्ष्मी देख लेगी और लक्ष्मी मुड़कर मलिष्का को कहेगी रहने दो, ये सारी चाल मूवी और सीरियल में ही चलती है, जो मूवी सीरियल में दूसरों की मिठाई में नमक डालकर बिगाड़ देते हैं, लेकिन ये असली जिंदगी है जहाँ पर ऐसा नहीं होता, सबका सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी ऋषि की बहन सोनिया को समझाती हुई कहेगी सोनिया तुम मेरी ननंद हो, तुम्हें इस मलिष्का के जैसे बिगड़ना नहीं है, इसीलिए जाओ तुम हॉल में और वहाँ नाश्ते का इंतजार करो। यह सुनकर सोनिया लक्ष्मी को कहेगी तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी तुम नहीं आप, तुम मेरी ननंद हो और मैं तुम्हारी भाभी हो। तब यह सुनकर जब गुस्से से सोनिया लक्ष्मी पुकारेगी तभी लक्ष्मी कहेगी भाभी मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसीलिए मैं भाभी की तरह रह रही हूँ, मुझे मजबूर मत करो। तब यह सुनकर सोनिया कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब लक्ष्मी नाश्ता लेकर अपना पहला नाश्ता खिलाने के लिए सबके लिए हॉल में जाएगी तभी मलिष्का ऋषि के सामने लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए गिरने का नाटक करेगी और गिरकर ऋषि के सामने हाथ बढ़ाएगी, लेकिन गिरी हुई मलिष्का को जब ऋषि उठाने के लिए जाएगा तभी लक्ष्मी मलिष्का का हाथ पकड़ लेगी और मलिष्का गुस्से से लक्ष्मी को कहेगी हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी ठीक है दोबारा गिरना मत। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे, लेकिन नाश्ता करने से पहले जब लक्ष्मी पूरे परिवार को कहेगी कि नए जीवन की शुरुआत रीति रिवाज के साथ परंपरा और रस्मों से करनी चाहिए ऐसा मुझे सिखाया है, तब यह सुनकर गुस्से से वीरेंद्र कहेगा तुम्हारे ये संस्कार और ये गुण तब कहाँ चले गए थे जब तुमने उन डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। तब यह सुनकर एक पल के लिए लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी, इसी वजह से जब गुस्से से वीरेंद्र लक्ष्मी के बनाए हुए पहले नाश्ते को ही छोड़कर चले जाएंगे तभी लक्ष्मी मलिष्का की असली सच्चाई लाती हुई चिल्लाकर कहेगी मुझे मलिष्का ने मजबूर किया था और मुझे कहा था कि अगर मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी तो वो हमारी पूरी चौल को खरीद कर हमारे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देगी, इसीलिए अब आप बताइए बाबूजी मैंने अपने परिवार के लिए अपने डिवोर्स पेपर में साइन करके सही किया क्या नहीं और मैंने क्या गलत कर दिया। यह सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ जाएंगे और मलिष्का की असली सच्चाई सामने आने के बाद वीरेंद्र को मलिष्का को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं और आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं और अब मलिष्का का खेल खत्म हो जाना चाहिए क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।